हेलो एवरीवन, सेवन दिस सेड। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है और आपका मन में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर एक्सपोर्ट। आई एम श्योर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। मैं एकदम थोड़ा उसका एक स्टेप बता रहा हूँ आपको कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं बायर फाइंडिंग में बताने लग जाऊँ इट विल टेक 2 डेज टू कम्प्लीट दिस सेशन एंड एवरीथिंग। मेरे सेशन होता है उसमें बताता हूँ। तो ये इस क्वेश्चन में पहुंचने से पहले बायर कैसे ढूंढते हैं आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है सो दैट आप वहां तक पहुंचोगे। अगर आपके पास आपकी कंपनी में टीम है यू नो सेल्स एंड मार्केटिंग का जो बायर्स के ऊपर फाइंडिंग में फोकस करता है, या तो आप अकेले हो नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या तो ऑलरेडी आपका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है, आप समझ रहे इस चीज़ों को कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप वो चीज़ें मत करना जो ऑलरेडी बाकी के लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अनियन का, आप कहीं से भी YouTube पे वीडियो देखो, आप कितने भी इंस्टीट्यूट से पढ़ो, हर कोई आपको अनियन का ही एग्जांपल पे देता है। रीजन आई एम टेलिंग यू क्योंकि उसका बायर इजीली मिल जाता है। नासिक से अनियन उठाओ और आप दुबई वगैरह किसी भी कंट्री में सेल करो जहाँ पे कमीशन पे काम होता है। सो डू यू रियली थिंक कि इसका कोई आपको बेनिफिट होगा? कुछ आपने नया कुछ नहीं सीखा। फर्स्ट पॉइंट, आप कोल्ड स्टोरेज पे जाओगे, आपका पोर्ट विजिट होगा, अब इसका क्या बेनिफिट है? आप तो एक्चुअली पोर्ट विजिट पे आपका कभी काम ही नहीं होता है, वो जस्ट फॉर फोटो शूट कर लो, तो एज ए एक्सपीरियंस यू कैन गो टू देयर, है ना। कस्टम का आपका ये प्रोसेस वो प्रोसेस एवरीथिंग इज डन बाय योर CHA। इवन आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स 99% डॉक्यूमेंट आपका CHA बनाता है। 1% उसमें काउंट कंसिडर करेंगे जो आपका इनवॉइस बनता है, वो आपको देना पड़ता है। लेट्स बैक टू द वीडियो कि बायर के ऊपर क्या है। ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो आगे की बातें बताने वाला वो रिलेट करते कहीं ना कहीं, राइट। अभी आप ये समझना जो बाकी के कर रहे हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि बाकी का जो जो वो कर रहे हो उनको देख के ना। अब करना क्या है, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह पे हूँ ना, फ्रूट्स वेजिटेबल का एग्जाम्पल दिया था तो उसी के एग्जाम्पल के हिसाब से चलता हूँ। अगर मैं फ्रूट्स वेजिटेबल कर रहा हूँ तो मैं एक स्मॉल क्वांटिटी में काम कर रहा करूँगा। रीज़न क्योंकि मुझे उतना भी एक्सपीरियंस नहीं, राइट। अगर मैं नया हूँ इस बिजनेस में तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा इनिशियली। अगर आप नए हो, अगर मैं भी नया हूँ मान लो इस इंडस्ट्री में, तो मैं इतने इन्वेस्टमेंट क्यों लगाऊंगा, राइट। क्या 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का? क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हो, ये आप अपने लिए करते हो, फॉर योर सेक, राइट। तो आपको इनिशियली स्मॉल क्वांटिटी से ही काम करना होता है। अब ये चीज़ कैसे वर्कआउट करती है? अगर मुझे बायर ढूंढना, पर्सनली मैं अपना एग्जाम्पल लेके जाता हूँ, तो मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा कि गूगल पे डाल दे कि बायर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंट्री। ये चीज़ें बचकानी है, ये तो हर कोई कर लेता है। नई चीज़ क्या है, आप ऑलवेज रिमेंबर, आप टूरिज्म बिजनेस पे फोकस करो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर टूरिज्म का कैसा रोल आता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे भी टूरिज्म आता है ना, ऑलवेज रिमेंबर वहाँ पे होटल्स होते हैं, है ना। अब जहाँ पे होटल्स होते हैं वहाँ पे कैसे डेली का फूड लगता है। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे टूरिज्म तो भर भर के है, बट आप वहाँ के लोग लोकलाइज वो डिमांड एंड सप्लाई कैसे प्रोवाइड करेंगे कि जो वहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट्स है इज दे रियली कैपेबल, जो उनको चाहिए वो रोज़ को रोज़ अवेलेबल है या नहीं। आप किसी भी कंट्री का, इंडिया के नहीं, गोवा हो गया, अपला आपका नॉर्थ में आप शिमला वगैरह मनाली हो गया, तो इंडिया के किसी भी जोन में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है आप ही सोचिए, जहाँ पे फॉरेन क्राउड ज़्यादा आता है ना, तो वहाँ पे आप वो चीज़ें दे सकते हो। ये मेरा पर्सनल कहना है। कैसे? अब वहाँ पे होटल्स में जाके बात करो कि यहाँ पे किस कंट्री का क्राउड कहाँ कहाँ पे, और डेली बेसिस पे लोग व्हाट दे डू प्रेफर टू ईट, है ना। क्योंकि आप रोज इंडियन ही सामान बेचोगे तो वो वर्थ इतनी रहेगा। इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है, मैं एक्सपोर्ट की बात के हिसाब से देख रहा हूँ। अभी आप ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा है और आप अपने प्रोडक्ट वहाँ पे बेच पा रहे हो, क्योंकि आप लोकल में बेचोगे ना, लोकल में भी सबको पता है कि किस किस रेट पे जाता है और कहाँ कहाँ से क्या चीज़ आती है। तो आपका टारगेट ऑडियंस अगर फॉरेन क्लाइंट्स है ना, तो आप वहाँ पे महंगी चीज़ सेल कर सकते हो, द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि टूरिज्म के टाइम जब मैं बात करता हूँ ना, तो लोकल से बजाय ना फॉरेन क्लाइंट्स आपको हमेशा अच्छा रेट लेके जाएंगे। अब थर्ड आपको क्या करना है कि एज पर क्लाइंट स्टैंडर्ड ना, यूरोपियन क्लाइंट होगा तो कुछ और कहेगा, US क्लाइंट होगा, फ्रेंच, जर्मन, ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये सारे अपने अपने हिसाब से अलग अलग ब्रेकफास्ट का उनका क्राइटेरिया है। तो एज पर योर ऑडियंस आप उनको उस हिसाब से स्टैंडर्ड पे वो करो। अब आपने स्टारबक्स का, जैसे मैं यूजुअली प्रेफर करता था सिंगापुर एंड आपका मलेशिया में, क्या होता था वहाँ पे कि आप मील मिल जाते थे उसमें कॉफ़ी के साथ मस्त, आप अलग से बाय करना पड़ता था। जहाँ पे आपके कैबेज काटे हुए चिकन्स का हो गया, आपका ब्रोकली हो गया, आपका उसमें चिक पीस हो गया, तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का एक पूरा बॉल मिलता था। तो आप ऐसे पैकेजेस प्रोवाइड करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट तो होना ही पड़ेगा बॉस, आपको कहीं ना कहीं होना ही पड़ेगा, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो। अब जब भी आप रेस्टोरेंट के पास अप्रोच करोगे ना, ट्राई टू आस्क देम कि
यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है सबसे ज़्यादा, तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। सॉरी एक्चुअली जिनकी बेबी है वो डिस्टर्ब करती रहेगी, सो आई होप लाइक यू डोंट माइंड, राइट। अब उसमें चीज़ें आती है, एक मिनट,